गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल. आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट. तो आज के वीडियो में मैं आपको सिखाने वाली हूँ एक इजी वेडिंग मेकअप लुक. अगर आप बिगनर हैं तो भी आप ये आराम से ये लुक कर सकते हैं जो मैंने अभी क्रिएट किया है. आज की वीडियो में मैं यूज़ कर रही हूँ इवा कॉस्मेटिक का ये मेकअप बॉक्स. तो जब मैं शादियों में जाती हूँ तो मुझे अपने आप से खुद से मेकअप करना पसंद है. एंड मैंने देखा कि ये इवा कॉस्मेटिक का एक पूरा मेकअप बॉक्स आता है. तो इसमें आपको तीन तरह के बॉक्सेस या तीन तरह के शेड्स आते हैं. मैंने लिया फेयर वाला शेड. और इसमें आपको मेकअप करने के लिए जो भी प्रोडक्ट चाहिए, प्राइमर, फाउंडेशन, कंसीलर, कॉम्पैक्ट पाउडर, आई शैडो, यू नो, आई लाइनर, काजल, मस्कारा, लिपस्टिक, सब कुछ एक बॉक्स में आता है और काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस में आता है. ज़रूरी नहीं है कि आपको पूरा बॉक्स लेना है. अगर आप चाहते हैं तो आप ये सारे प्रोडक्ट्स अलग से भी ले सकते हैं. इन प्रोडक्ट्स की क्वालिटी बहुत अच्छी है, काफ़ी अच्छे से काम करते हैं, मैट फिनिश है. तो स्पेशली अगर आपकी ऑयली स्किन है उसके लिए ये बहुत बहुत अच्छा रहेगा. तो अब मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने ये लुक कैसे क्रिएट किया और कैसे आप ये लुक अपने आप खुद से क्रिएट कर सकते हैं अगर आप मेकअप बिगनर हैं तो भी. ओके, तो सबसे पहले हम यूज़ करें इबा कॉस्मेटिक का फोटो परफेक्ट HD फेस प्राइमर. इसका जो फॉर्मूला है और टेक्सचर है वो एकदम जेल बेस्ड है. तो अगर आपकी ऑयली कॉम्बिनेशन स्किन है उसके लिए परफेक्ट रहेगा. आपकी स्किन को ना काफ़ी स्मूथ सा टेक्सचर देता है. अगर आपके पोर्स हैं तो उसे ब्लर कर लेता है. एंड आपका मेकअप जो है वो काफ़ी लॉन्ग टाइम तक रुकेगा बिकॉज क्रीज नहीं होगा, स्मर्ज नहीं होगा. मेरी स्किन काफ़ी स्मूथ होगी, काफ़ी अच्छा टेक्सचर है इसका. एंड ये मैटिफाइंग है बट फिर भी काफ़ी हाइड्रेटिंग है स्किन पर. ऐसा नहीं लग रहा कि स्किन काफ़ी डल होगी, काफ़ी स्मूथ और अच्छा लग रहा है. तो अब जब मैं फाउंडेशन लगाऊंगी ना तो वो बहुत ही ईजिली ब्लेंड हो जाएगा मेरे फेस पर. और अब नेक्स्ट यूज़ करें इबा कॉस्मेटिक का वाटरप्रूफ लिक्विड फाउंडेशन. मेरा शेड है आइवरी एंड ये आपको फुल कवरेज देता है. अगेन मैट फिनिश है इसका और ये स्वेट प्रूफ भी है. तो मैं अपने फेस पर ऐसे डॉट्स लगाऊंगी. एंड अभी आपको ये थोड़ा सा ना येलो दिखेगा मेरी स्किन पर जैसे हम इसको ब्लेंड कर देते हैं तो ये थोड़ा सा ऑक्सीडाइज हो जाता है एंड आपकी स्किन के साथ एकदम यू नो ब्लेंड हो जाता है. और अगर आप देखोगे ना ये बहुत ही ईजली बहुत अच्छे से ये ब्लेंड हो रहा है. अब हम यूज़ करें इबा कॉस्मेटिक का वाटरप्रूफ कंसीलर. ये कंसीलर बहुत ही ज़्यादा अच्छा है. लाइक अगर आपके डार्क सर्कल्स हैं, अगर आपकी इवन टोन स्किन है तो ये उसको काफ़ी अच्छे से कवर कर लेता है. थोड़े से ही प्रोडक्ट में आपको यू नो काफ़ी अच्छा कवरेज भी मिल जाता है, लाइट भी लगता है आपकी स्किन पर. और जब आप एंड्स में लगा रहे हो तो इसको ऐसे थोड़ी ऊपर की तरफ लगाओ और ब्लेंड भी ऐसे ऊपर की तरफ करो ताकि थोड़ा लिफ्टेड सा लुक आए और बहुत अच्छा लगता है वो. तो अब मैं लूँगी मेरा कंसीलर ब्रश एंड I'll blend it now. काफ़ी ईजिली ब्लेंड हो रहा है. लाइक मुझे बहुत ज़्यादा कुछ मेहनत नहीं करनी पड़ी उसको ब्लेंड करने के लिए. आई जस्ट हैव टू यू नो टैप 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 एंड ये काफ़ी अच्छे से ब्लेंड हो रहा है एंड आई लव लव दिस कंसीलर. ओके, सो मेरे कंसीलर का शेड है लाइट एंड ये जेन्युइनली बहुत अच्छा कंसीलर है. और अब मैं यूज़ कर रही हूँ इबा कॉस्मेटिक का कॉम्पैक्ट पाउडर. आपका मेकअप हो जाए तो आप इसे अपने साथ बैग में कैरी कर लो और बहुत ही ईजिली आप टचअप कर सकते हो. तो मैं ये लूँगी एंड इसे ना मैं सिर्फ अपनी आँखों के नीचे लगाऊंगी ताकि जो मेरा कंसीलर है वो अपनी प्लेस पर ही रहे, ताकि वो क्रीज ना हो एंड बिल्कुल भी स्मर्ज ना हो. तो ऐसे डैब करेंगे. मैं देखती हूँ कभी कभी काफ़ी लोग ना ऐसे ऐसे करते हैं बट आपको सिर्फ ऐसे डैब करना रहता है. अब मैं यूज़ कर रही हूँ इबा कॉस्मेटिक का आई टॉक पार्टी वाइब्स आई शेडो. मैं आपको बस इसका पिगमेंट दिखाना चाहूँगी, हीरा पर्पल वाले का. इसका नाम है जैज, फिर ये वाला है हिप हॉप, रॉक एंड रोल. आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा पिगमेंटेड है ये. इससे पहले मैं लूँगी ये लाइटेस्ट शेड, इसका नाम है डिस्को, और इसे पूरे अपने आईलेट पर लगाऊँगी. के बाद मैं ये शेड यूज़ कर रही हूँ जुम्बा. तो आपको क्या करना है, जो डार्कर शेड है उसे एकदम एंड में लगाना है और फिर से फैन मोशन तक सिर्फ हाफ, सिर्फ इतना ही आपको लेके जाना है लाइक दिस. तो इससे क्या होगा, जब आप फैन मोशन करते हैं तो आपकी आंखों में बहुत ज़्यादा डेप्थ आता है तो थोड़ी बड़ी लगती हैं आपकी आँखें.
एंड आप देख सकते हो बहुत अच्छा लग रहा है, आगे से लाइट पीछे से डार्क। अब मैं क्या करूँगी ना, मैं एक छोटा सा आई शेडो ब्रश लूँगी। एक्चुअली आप ये वाला ब्रश भी ले सकते हैं, क्योंकि मैंने ग्रीन कलर की इयररिंग्स पहने, मैं थोड़ा सा एक ग्रीन आई शेडो लूँगी ये वाले ब्रश पे, सिर्फ अपनी आंखों के नीचे लगाऊंगी। एंड ये भी मैं सिर्फ हाफ ही लगा रही हूँ, क्योंकि बिकॉज मेरी आंखें छोटी हैं, अगर आप एंड तक लगाओगे तो और छोटी दिखती हैं, तो सिर्फ हाफ ही लगाओ। एंड फिर यही चीज़ बिकॉज हम लाइनर नहीं कर रहे हैं आज, इसी को लेकर मैं लाइनर जैसे लगाऊंगी और फिर उसे स्मर्ज कर दूंगी, तो इससे ना आपको थोड़ा स्मोकी आई वाला इफेक्ट भी मिलेगा, तो अच्छा लगेगा। एंड देन आपको लाइनर लगाने की जरूरत नहीं है। ओके, तो अब हम यूज़ कर रहे हैं इबा कॉस्मेटिक का ब्लैक एंड बोल्ड 24 आवर एचडी मस्कारा। ये मस्कारा आपको इतना अच्छा वॉल्यूम देता है कि आपको है ना वो फॉल्स लैशेस लगाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। एंड इसका वॉन्ड बहुत अच्छा है, आप देख सकते हैं बहुत ही इजीली आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो अब आप देख सकते हैं कितना अच्छा वॉल्यूम मिलता है इससे आपकी लैशेस को, और ये ना फॉल आउट भी नहीं होता है, नीचे नहीं गिरता है मस्कारा। अब हम यूज़ करें इबा कॉस्मेटिक का ऑल डे कोल काजल। एंड अगर आपकी मेरी जैसी एकदम वॉटरी आईज है ना, उसके लिए भी ये परफेक्ट है। ये काफ़ी पिगमेंटेड है, एकदम ऐसे ब्लैक दिखता है। एंड ये भी ना मैं हाफ ही लगाऊंगी, एंड एक ही बार ग्लाइड करने में ना इतना अच्छा इसका वो आता है पिगमेंट, एंड हमारा काजल हो गया। इस किट में ना इबा कॉस्मेटिक का लॉन्ग स्टे लिक्विड आईलाइनर भी आता है, अगर आपको लाइनर्स लगाने का शौक है तो आप ये भी लगा सकते हैं, बट क्योंकि आज हमने की थोड़ी स्मर्ज वाली लुक तो मुझे ज़रूरत नहीं लगी, बट हाँ ये किट में ये भी आता है। अब नेक्स्ट अप विल बी हमारा ब्लश। यूज़ करें इबा कॉस्मेटिक का शेयर पीच क्रीम ब्लश। ये ब्लश इतना सुंदर है, इतना क्रीमी है, और इतनी इजीली ये ब्लेंड हो जाता है। पीच शेड है तो मुझे तो बहुत पसंद है, मैं पिंक से ज़्यादा पीच प्रेफर करती हूँ। तो मैं अच्छे से ब्लश लूँगी, थोड़ा सा अपनी नोज़ पे भी लगाऊंगी और चीक्स पे। आप लोगों को पता है मुझे ब्लश लगाना बहुत पसंद है, तो कितना भी ब्लश लगाओ वो कम ही लगता है। अब हम इसे करेंगे ब्लेंड। तो ये ब्लश आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छे से बहुत ही ईजिली ब्लेंड हो गया। अब हम यूज़ करेंगे इबा कॉस्मेटिक का गेट सेट ग्लो हाइलाइटर, और ये हाइलाइटर इतना अमेजिंग है, क्योंकि आप इसे कोई भी बेस्ट हाइलाइटर से कंपेयर कर सकते हो। ये इतना अच्छा ऐसा लगता है कि आपकी स्किन ना अंदर से ग्लो कर रही है, इतना अच्छा आपको ग्लो देता है। अब मैं इस ब्रश पे ले लूँगी हाइलाइटर और इसको ऐसे लगाऊंगी, और जो ये हाइलाइटर होता है ना वो आपकी बोन के नीचे भी थोड़ा सा लगा लो तो ये काफ़ी ऐसे उठा हुआ दिखता है। एंड थोड़ा सा हम लगाएंगे अपनी नोज पे। हम यूज़ करें इबा कॉस्मेटिक की लिपस्टिक, और ये शेड है M19 न्यूड अलर्ट। ये काफ़ी सुंदर न्यूड शेड है, एंड किसी भी आउटफिट के साथ आराम से जाएगा। इन्होंने जो पूरा वो किट क्रिएट किया है ना, जिसमें सब प्रोडक्ट्स डाले हैं आपकी स्किन टोन के हिसाब से, वो बहुत ही एप्ट, मतलब एकदम परफेक्ट डाले, जो बताए कि इस स्किन टोन के साथ ये आराम से जाएगा। काफ़ी स्मूथली ग्लाइड हो जाता है, और यू नो ये मैट फिनिश है पर इतना क्रीमी, इतना लाइट है लिप्स पे। तो इस स्टेप के बाद ख़त्म होता है हमारा मेकअप लुक। तो ये थी मेरी फाइनल लुक, और ये लुक मुझे तो काफ़ी अच्छी लगी। आप भी कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको कैसी लगी। बस मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इबा कॉस्मेटिक्स जो है वो एक क्लीन ब्यूटी ब्रांड है। इन प्रोडक्ट्स में कोई भी पैराबेंस नहीं है, कोई भी अल्कोहल नहीं है, काफ़ी सेफ है यूज़ करने के लिए, और पेटा सर्टिफाइड है। तो आपको इस चीज़ की टेंशन लेने की ज़रूरत है ही नहीं कि आपकी स्किन पर सूट करेगा या नहीं करेगा। इन प्रोडक्ट्स की क्वालिटी जेन्युइनली बहुत अच्छी है, एंड काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस में आपको बहुत सारे प्रोडक्ट्स मिल जाते हैं, एंड गिफ्टिंग के लिए भी काफ़ी अच्छा है। और अगर आप ये प्रोडक्ट्स खरीदना चाहते हैं तो इनका लिंक जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। अगर आप मेरा कोड यूज़ करेंगे SHIV15 तो आपको मिलेगा एक्स्ट्रा 15% ऑफ। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, और लगा तो प्लीज़ गिव मी अप एक थम्स अप, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एंड आपसे मिलूंगी जल्दी। बाय।